चैनल बनाने के लिए। ओए एपी सिंह, बात सुन ध्यान से और दिमाग में उतार ले। चौथे शनिवार को क्या करवाने गया था, सच सच बता दे दुनिया को। भाई मेरी बात सुनो, भारत के अंदर और अदर देशों का मुझे नहीं पता, मुझे इंडिया का पता है। भारत के अंदर और अदर देशों की मैं इतनी जानकारी रखती भी नहीं, क्योंकि मुझे भारत में रहना और भारत में जीना और भारत में ही मरना, जानकारी मुझे भारत की चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं विदेशों की जानकारी नहीं है। भाई विदेशों की जानकारी करके मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा अपने बालक बिहाने हैं, खुद ब्याह करना है विदेश में, क्या करना है मुझे। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। आया समझ में, मेरी बात सुन। हमारे यहाँ हमारी अदालतें में हमारे बैंकों में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है। आया भाई आप लोगों को समझ में। तो कल जो सैटरडे था उसकी उसमें कचहरी की छुट्टी थी, ठीक है, आपने देखा होगा। और इसको धमकाया गया कि चलो वीडियो बाहर निकल के बनाओ, तो वीडियो इसने बाहर निकल के बनाई, क्योंकि किसी भी अदालत का जो रूम होते हैं उन परिसर के अंदर वीडियो बनाना, वहां पे लिखा रहता है वीडियो, तो वीडियो मोबाइल निकालना अलाउ नहीं होता जो ये तुम्हारा बना रहा है। और जो ये सज धज के दुल्हन बन के गई थी ना, इन्हें कल इतनी तकड़ी डांट पड़ी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब रात को मोमिन मलिक ने करा भैया पर्दाफाश कि भैया छुट्टी में क्या करवाना गया था, दुनिया को तू बताओगा मैं बताऊं, तो सीमा हैदर ने भैया मिलाया रात को 12 बजे एपी सिंह पे फोन। सीमा हैदर कहने लगी एपी सिंह कितना झूठ बोल लेगा भैया, कल तो अदालत में कुछ हुआ ही नहीं, तू करने क्या गया कल अदालत में। तो एपी सिंह कहने लगा अच्छा तुम्हें मोमिन मलिक पे भरोसा है, सीमा सुन हम बता रहे तुझे, मैं कह रही हूँ पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होती है ना, ये कहता है ना कि मैंने क्रिमिनोलॉजी में मेरी पीएचडी है, नहीं इसकी झूठोलॉजी में वो है पीएचडी, झूठोलॉजी में, झूठ की दुकान, झूठ की भरमार, सबसे बड़ा भारत का झूठा गिनीज बुक वालों से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें लिखा जाता है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, उसमें नाम लिखा जा रहा है सबसे ऊपर एपी सिंह पीएचडी ऑफ झूठोलॉजी, सबसे बड़ा झूठा दुनिया का इंसान। आया समझ में बात, तो इसकी बातों में तू आ रही ना, चल तू आ जा, खैर तेरा भी कुछ नहीं होने वाला, तेरा कोई भगवान भला नहीं करने वाला, तू कितने कर ले राधे राधे बच्चन, मेरी राधा का नाम लेती है ना मेरा खून खोलता है। और सुन हमारी राधा रानी झूठों का साथ नहीं देती, हम सच्चों का साथ देती है। और सुन राधा रानी सच का साथ देने वाली है, पता तुझे राधा रानी का भूगोल इतिहास ज्योग्राफी कुछ पता तुझे, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान कुछ पता तुझे क्या राधा रानी का, राधे राधे मतलब कहना क्या चाहती है तू, करना क्या चाहती है तू। और तूने बिल्कुल एकदम भाई भाई भाई, भाई ग्रेट बंदा पकड़ा तुझे, ठीक है, वो होती है ना घर का बेदी लंका ढाए, तुझे तेरा भैया ही फंसवा होगा। अगर यो एपी सिंह ना होता ना, तू माफी मांग के अब तक चली जाती, बच्चे दे देती है इधर को, लेकिन तुझे एपी सिंह ने तुझे टॉफी चुसाई लॉलीपॉप दे रखी कि तुझे जाने की, जो मैं जाने ही नहीं दूंगा। और मैं एक बात बता रही हूँ, जब तक बाघा बॉर्डर पे तेरा कदम रखा जाएगा, तेरा पैर रखा जाएगा, जब तक भी ये कह देगा अभी तो तू पाकिस्तान में बच्चे नहीं गए, अभी तो बच्चों की जो बच्चों की एक टांग तो भारत में ही है, बाघा बॉर्डर की इधर है और एक टांग उधर है, ठीक है। मैं कह रही हूँ निर्भया जो केस के जो दोषी थे ना, जब उनका फांसी का वारंट इशू हो गया था कि सुबह 6 बजे लगनी है, तो सुबह 5 बजे तक नूह कहता रहा था लगने नहीं दूंगा, ठीक है। और सुन गूगल है सबसे बड़ा भगवान, गूगल को खोल के देख ले, इतना बुद्धि में भर ले, भेजे मैं कुछ, आई समझ में। और इतना बड़ा झूठा पता नहीं क्या करवाने गया था भाई, कोई चक्कर वक्कर चल रहा था वहां किसी से, क्या करवाने गया था तू कचहरी में सेकंड सैटरडे को, कौन सी तू पटीशन फाइल हो रही थी तेरी, क्या हो रहा था तेरा सेकंड सैटरडे वो लास्ट सैटरडे को, क्या हो रहा था तेरा, मतलब इतना झूठ बोलता है ना ये इंसान। कभी बात करता राष्ट्रीय महिला आयोग, अबे चुप तेरी, राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला हम देखेंगे, चल भे चल यो क्लिप भेज उन्हें, ठीक है, हम भी तो पूछेंगे उनसे कि एक अवैध घुसपैठिया तुम्हारे भारत के अंदर बैठकर कुछ भी कांड कर सकती है, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और हम हिंदुस्तान की बेटियां, हमारे लिए मोर्चा निकालोगी तुम, हमारे लिए मोर्चा, रात मोमिन मलिक ने बताया, लेकिन इसकी बुद्धि में इसकी इसकी जो खूसट खोपड़ी है ना, इसमें कुछ भरता नहीं है कि पाकिस्तान से ना पैसा आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी बैंक रिलेशन भारत के साथ नहीं है। फंडिंग आ रही है, संगठन बन रहे हैं बच्चे, यहाँ घर बैठे बैठे संगठन बना रहे हम, संगठन बन रहे। सिस्ता है घर में, आई ना देखा कभी, जाकर सिकल दे तेरे मत्थे पे लिख रहा झूठ की दुकान,
बनाता भी रहा दुनिया का पागल। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारी माननीय अदालत, हमारी माननीय अदालतों ने ये कर दिया, हमारी माननीय अदालतों ने ये कर दिया, हमारी चुप। आवे ना जावे, बोलना तना बात आया बड़ा, चल के टोकरे में बज्जर ठाए फिर है, इसे ना बना रखा पागल, तुझे नागरिकता मिलेगी, नागरिकता तेरे बाप की जागीर है, हैं टोकरे में ठा रखी तने नागरिकता, सिर पे ठाए फिर है तू तो नागरिकता, नागरिकता का क्या लगा है नागरिकता तेरी, तेरे घर में बना है नागरिकता, दिवा दे चल चल दिवा दे, मान जाएंगे तुझे, कितना बड़ा धुरंधर है तू, बना रहा जनता का पागल, वहां आवाज निकलनी रही गले से क्योंकि झूठ बोल रहा था ना, जो सच बोलते हैं ऐसी आवाज निकलती है उनकी, कन्नों के पर्दे फेल हो गए होंगे तेरे मेरी आवाज सुन के, बन रहा कलबन, ऐसा होता है, ऐसा होता है बच्चे, कैसा होता है बता, बता कैसा होता है, हमारे साथ कर डिबेट तू, बेल कराई हेमंत कृष्ण प्रासर ने और आका बकवाद कर रहा, मैं वकील क्या करवाया था, कौन सा तीर मार दिया था, कौन सा तीर मार दिया, क्या करा तूने आज तक सीमाया था केस में, एक चीज गिनवा दे तू, दिखा पेपर क्या करा तूने, बना रहा है जनता का पागल, सीमा सनातन ही इसलिए लोगों को फर्क पड़ा, चल पता तुझे क्या हो सनातन, पता तुझे जोड़े करी भगवान के सामने आज ये बनेंगे सनातनी, सनातन का ऐसी ने पता नहीं, ये बनेंगे सनातनी, आ जा ने कहा कहा से मुंह उठा के, अब आ तू, तेरा ऐसी तेरी ऐसी खाल तारूंगी, ऐसी बनाऊंगी तेरा, तेरा कबूतर बनाऊंगी ऐसे ही डेली, आके करवा मेरे पे केस, बता नाम लेके कह रही हूं, करवा मेरे पे केस, तू औरों को तो क्या बिगाड़ेगा, मोमिन मलिक तो इतना बड़ा अधिवक्ता है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक आम सी लड़की हूं, तू मेरा ही बिगाड़ के दिखा दे, सल्यूट करूंगी तुझे सारी जिंदगी, गुलाम भी करूंगी तेरी, ओए एपी सिंह बोल दिया झूठ, बनिया करोड़पति, उड़ा लिया जहाज, और जब तेरे झूठ का पर्दा पास हुआ तो सीमा यादव ने तेरा क्या बनाया, बताएगा जनता को क्या, मैं बता दूं, चल 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 तू कष्ट मत उठा, मैं बता देती हूँ जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन है, पागल नहीं है, जनता सब जानती है एपी सिंह, सब जानती है, ठीक है, बना लिया तूने पागल, तू सीमा का बना सकता है, सीमा ने बनाया है गुलाम का, लेकिन तू हम लोगों का नहीं बना सकता, तेरी नस नस से वाकिफ है, भारत के निवासी है, भारत की एक एक चीजों को हम जानते हैं, तू चला है पागल बनाने के लिए, ओए एपी सिंह बात सुन ध्यान से और दिमाग में उतार ले, चौथे शनिवार को क्या करवाने गया था, सच सच बता दे दुनिया को, भाई मेरी बात सुनो, भारत के अंदर और अदर देशों का मुझे नहीं पता, मुझे इंडिया का पता है, भारत के अंदर और अदर देशों की मैं इतनी जानकारी रखती भी नहीं, क्योंकि मुझे भारत में रहना और भारत में जीना और भारत में ही मरना, जानकारी मुझे भारत की चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं विदेशों की जानकारी नहीं है, भाई विदेशों की जानकारी करके मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा अपने बालक ब्याहने हैं, खुद ब्याह करना है विदेश में, क्या करना है मुझे, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, आया समझ में, मेरी बात सुन, हमारे यहाँ हमारी अदालतों में हमारे बैंकों में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है, आया भाई आप लोगों को समझ में, तो कल जो सैटरडे था उसकी उसमें कचहरी की छुट्टी थी, ठीक है, आपने देखा होगा, और इसको धमकाया गया कि चलो वीडियो बाहर निकल के बनाओ, तो वीडियो इसने बाहर निकल के बनाई, क्योंकि किसी भी अदालत का जो रूम होते हैं उन परिसर के अंदर वीडियो बनाना वहां पे लिखा रहता है वीडियो, तो वीडियो मोबाइल निकालना अलाउ नहीं होता जो ये तुम्हारा बना रहा है, और जो ये सज धज के दुल्हन बन के गई थी ना, इन्हें कल इतनी तकड़ी डांट पड़ी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और जब रात को मोमिन मलिक ने करा भैया पर्दाफाश कि भैया छुट्टी में क्या करवाना गया था दुनिया को, तू बताओगा मैं बताऊं, तो सीमा हैदर ने भैया मिलाया रात को 12 बजे एपी सिंह पे फोन, सीमा हैदर कहने लगी एपी सिंह कितना झूठ बोल लेगा भैया, कल तो अदालत में कुछ हुआ ही नहीं, तू करने क्या गया कल अदालत में, तो एपी सिंह कहने लगा अच्छा तुम्हें मोमिन मलिक पे भरोसा है, सीमा सुन हम बता रहे तुझे, मैं कह रही हूँ पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होती है ना, ये कहता है ना कि मैंने क्रिमिनोलॉजी में मेरी पीएचडी है, नहीं इसकी झूठोलॉजी में वो है पीएचडी, झूठोलॉजी में झूठ की दुकान, झूठ की भरमार, सबसे बड़ा भारत का झूठा गिनीज बुक वालों से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें लिखा जाता है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा रहे हैं उसमें नाम लिखा जा रहा है सबसे ऊपर एपी सिंह पीएचडी ऑफ झूठोलॉजी, सबसे बड़ा झूठा दुनिया का इंसान,